हेलो फ्रेंड्स तो आज हम लोग सीखने वाले हैं पाइथन में कमेंट कैसे लगाते हैं और कमेंट का यूज क्या होगा कमेंट लगाने के क्या फ़ायदे हैं कितने प्रकार का कमेंट होता है तो पूरा वीडियो देखिएगा आपको एक सिंपल और नॉर्मल प्रोग्राम भी आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं पाइथन के अंदर कमेंट ना लगाने से कोई प्रोग्राम में प्रॉब्लम नहीं आएगी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा यानी कि सब कुछ वैसे रहेगा चलिए शुरू करते हैं पहले आपको बताते हैं कि क्या किस प्रकार से हम लोग जो है प्रोग्राम बनाते हैं उसमें कमेंट कहाँ यूज होगा तो पहला चीज़ आपको क्या करना है कि आपको ऑनलाइन ही रन करना है तो प्रोग्राम रन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा एक कंपाइलर खोलना है यहाँ पे। जब मैं आपको दिखा रहा हूँ आप इसको अपने कंप्यूटर में ओपन कर लीजिएगा ऑनलाइन जी डी डॉट कॉम और आप यहाँ पे मैंने सीख खोल रखा है आप लोगों को पाइथन कैसे खोलना है वो आपको बता रहा हूं मैं यहाँ पे तो पाइथन कैसे खोलना है देखिएगा आप लोग यहाँ पे पाइथन के लिए डिटेल्स में यहाँ पे हमें अरे भाई ठीक से अभी खुला नहीं है ऐसा इसलिए हो रहा है एक बार इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूं तो ये खुल तो अभी भी खुला नहीं ठीक से अब रिलोड हो गया है यहां पे देखिएगा कि सी लिखा हुआ है सी की जगह पे आपको सलेक्ट करना पाइथन ठीक है तो इसमें हर प्रकार के प्रोग्रामिंग आपको लगभग लगभग सारे का दिया हुआ है मे भी हो सकता है कुछ ना हो बट इसमें आपको जो जरूरत की चीज़ें वो सारी लगभग दी हुई हैं तो बस आपको क्या करना है ये आपको ले लेना है आसानी से अब आपका प्रोग्राम कैसे रन होगा वो देखिए यहाँ पे पहले तो देखिए इसमें जो मल्टी लाइन का कमेंट देखा दिया हुआ है कई लाइन कमेंट है यहाँ पे आपको थ्री डॉट लगा देना है वेलकम टू जी ऑनलाइन अब ये कमेंट बन गया एक तरीके से तो कमेंट तो एक तो समझ में आ गया अभी हम उसको बात करेंगे बाद में पहले सिंपल एक प्रोग्राम देखते हैं यहां पर आउटपुट लेने के लिए कोई भी स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए देखिए जब हम लोग आ, किसी सॉफ्टवेयर में काम करेंगे जस्ट लाइक दैट मान लो नोटपैड में काम करते हैं तो नोट पैड में जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर एक्स इक्वल टू फाइव वाई इक्वल टू ट्वेंटी और हमने लिख दिया सम इक्वल टू एक्स प्लस वाई अब ये ये जो ये जो डेटा है हमने क्या किया हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कमेंट के रूप में कि ये क्या है तो हमने लिख दिया यहाँ पे एड टू नंबर ये एक तरीके से हमने कमेंट बना दिया कि इसके अंदर एड दो नंबर ऐड करने हमने किया है ठीक है ना तो इस चीज़ को हम कमेंट कहेंगे ठीक है ना अगर हम इस प्रोग्राम को यहाँ पर लेकर चलें और आ, राइट करें तो यहाँ पे देखिए ये हम कैसे करेंगे दूसरी चीज़ ये आउटपुट के रूप में हमें यहाँ पर आपको कुछ नहीं देगा प्रोग्रामिंग में हम आउटपुट के रूप में लेते हैं तो जैसे सिंपल पहले मैं आपको यहाँ पे अपना आ, नाम प्रिंट करना आपको बताता हूँ जैसे आपको अपना नाम प्रिंट करना हो ठीक है ना आर माइनस आई टी आई डॉट कॉम और मैं यहाँ पर प्रिंट सी अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको सी में याद होगा कि प्रिंट एफ लिखा जाता है और यहाँ पे केवल प्रिंट लिखना है अगर आप जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा जाता है अलर्ट लिख करके अभी हम लोग जो है पापा बॉक्स के रूप में आउटपुट लेते हैं तो उसकी जगह पे आपको प्रिंट लिखना यहाँ पर है वेलकम टू आर आई टी आई अब हम इसको रन पर क्लिक करेंगे तो ये रन हमें बहुत ही आसानी से नीचे ही दे देगा आपको आउटपुट यहाँ पे देख रहे हैं और एक खास बात इसकी है कि ये न्यू लाइन में आउटपुट देता है ऑटोमेटिकली न्यू लाइन में आउटपुट देता है ठीक है तो या तो हमने देख लिया अब हम यहाँ पर चाहते हैं कि एक दो नंबर ऐड करने का प्रोग्राम बनाएंगे जो ठीक है ना तो जैसे हमने ले लिया एक्स इक्वल टू वन और वाई इक्वल टू टू ठीक है ना और एक हमने ले लिया सम इक्वल टू एक्स प्लस वाई अब अब हमें प्रिंट करना है तो एक तो मैंने यहां पर देखा था अब हम यहां पर एक नीचे लाएंगे प्रिंट सम इक्वल फिर हम फिर से लिखेंगे प्रिंट सम ठीक है ना अब हम देखेंगे यहाँ पर कि क्या आउटपुट आ रहा है या कोई एरर आ रहा है प्रोग्राम में एरर भी आती है तो किस प्रकार से आती है ये भी समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है प्रोग्राम में एरर आए तो किस प्रकार से आई कैसी एरर आई समझना जरूरी तो यहाँ पर देखिएगा ये न्यू लाइन में आ गया है तो ये हमें समझना है कि ये न्यू लाइन में आया तो इसको हम किस प्रकार से सेम लाइन में तो देखो यहीं पे हमें लिखना पड़ेगा कॉमा सम तो हमने यहाँ पर लिख दिया और ये वाला हम कमेंट कर देता हूँ अभी देखिए कमेंट सिंगल लाइन लगाया तो यह कमेंट बन मतलब गया अभी इसको प्रोग्राम रन नहीं करेगा कमेंट क्या मतलब है इसको प्रोग्राम हमारा रन नहीं करेगा तो जो प्रोग्राम रन नहीं करेगा तो हमें अभी देखेगा आउटपुट में हमें एक तो यहाँ पे अच्छा मैंने कमेंट में इधर भी लगाना है लाइन एक सिंगल में ताकि ये फुल्ली कमेंट में कन्वर्ट हो जाए हम कमेंट सिंगल लाइन डबल लाइन ट्रिपल लाइन का भी बना सकते हैं कमेंट वो अभी हम आपको कैसे बनाएंगे वो आपको हम डिस्क्रिप्शन में आ, साथ में आपको नोट्स के थ्रू दिखाएंगे कैसे बनाएंगे तो पहले प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं ये इस तरीके से प्रोग्राम रन कर गया तो पाइथन में हम एक सिंपल प्रोग्राम कैसे रन करेंगे ये आपको समझ में आ गया दो नंबर ऐड करके प्रोग्राम कैसे करेंगे एक मैसेज कैसे प्रिंट करेंगे और एक ही में हम मैसेज और नंबर कैसे प्रिंट करेंगे ये आपने समझ लिया अब आपको बताता हूँ कि कमेंट क्या होता है और कैसे काम करता है और कितने प्रकार का होता है तो ये पूरा आपको समझना यहाँ पे है देखिएगा यहाँ पे आपको कमेंट का पाइथन में हमने नोट्स में डाला है तो आपको वहीं से ओपन करके और इसको नोट करना है क्योंकि आपको एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट आएगा कि कमेंट तो कमेंट कैसे लिखेंगे अब एग्जाम में अगर मान लीजिए आ गया क्वेश्चन कमेंट क्या है और ये कितने प्रकार का हो सकता है तो आपको कैसे लिखना है वो हमने यहाँ पर आपको डाला है वो आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा मैं विलेज एरिया में समय रह रहा हूँ तो नेटवर्क बहुत स्लो रहता है नेट बहुत स्लो काम करता है अच्छी तरीके से नेट नहीं चलता जो है तो इस तरह की थोड़ी सी दिक्कत रहती है हमारे एरिया में जो है तो आए मैं आप लोगों से सॉरी चाहूँगा कि थोड़ा सा नेट मेरा स्लो चलता है मैंने कई बार कम्प्लेंट भी किया लेकिन कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है तो अब देखिए यहाँ पे कमेंट खुल गया है कमेंट क्या है प्रोग्रामी लैंग्वेज में कमेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है कमेंट हमें प्रोग्राम को समझने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ तो मैंने ये कमेंट लिख दिया कि यहाँ मैं ऐड कर रहा हूँ दो नंबर को ठीक है ना यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि इसमें सर्वर के थ्रू से आ, के तरफ से कमेंट लिखा गया है ये भी कमेंट है किस लिए है क्या है किस वेबसाइट का है ये भी आपको कमेंट से हेल्प मिल जाती है तो एक तो ये आपको एक मैंने यहाँ पर कमेंट बना दिया कमेंट मतलब ये है कि उसको कंपाइलर रन नहीं करेगा कमेंट जिस लाइन को आप बनाएंगे वो रन नहीं करेगा यानी कि हम अगर इसको हटा भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे प्रोग्राम पर तो कमेंट का मतलब एक तो ये समझ गए पाइथन कोड को समझने के लिए टिप्पणियों का उपयोग किया जाता है कमेंट को हिंदी में टिप्पणी कहा जाता है ठीक है अगर हम प्रोग्राम में कमेंट ना लगाएं तो हम एक अच्छे प्रोग्रामर नहीं बन सकते क्योंकि जितना भी आप प्रोग्रामर को देखेंगे सब लोग कमेंट का प्रयोग करते हैं क्योंकि प्रोग्राम को समझने के लिए हमें बार बार कुछ ना कुछ हिंट लिखना पड़ता है कि किस पर्पज़ से हमने क्या लिखा है कोड को अधिक पठनीय यानी रीडेबल बनाने के लिए भी हम लोग कमेंट का प्रयोग करते हैं तो इस तरह से आपको एग्जाम्पल भी एग्जाम में लिखना रहेगा तो थ्योरी पहले आप लिखिए फिर उसका आप जो है एग्जाम्पल के रूप में लिखिए पाइथन में कमेंट की शुरुआत हैश कलेक्टर से होती है नीचे कुछ एग्जाम्पल दिया जा रहा है जैसे हैश लगा दीजिए तब भी हमारा कमेंट बन जाएगा तो हम कमेंट को हैश लगा के कर सकते हैं सिंगल कोटेशन या ट्रिपल कोटेशन भी कर सकते हैं मल्टीपल लाइन यहाँ पे देखिएगा ये सिंगल लाइन कमेंट है ठीक है ना ये सिंगल लाइन कमेंट कहलाता है तो कमेंट के टाइप अगर देखेंगे तो सिंगल लाइन मल्टी लाइन कमेंट के लिए शुरुआत और अंत में डबल लाइन का कोटेशन लगाया जाता है जैसे इस तरह के हम लोग यहाँ पे जैसे ये ट्रिपल लाइन का लगा दिया जैसा भी आपने यहाँ पर देखा है ये यहाँ पर आपको देख रहे होंगे कि जो है एक एक कोटेशन तीन बार लगाया गया ठीक है ना यहाँ पे किसी किसी सरोवर में ये आपको जो है इसकी जगह पे ये वाला लगाना पड़ सकता है ठीक है ना ये वाला कमेंट आपको पहले मैंने इसको हटा दिया अभी ये एक और लगा दिया तीन तो ये तीन कमेंट बन जाएगा और एक चीज़ आप ऐसे समझ लीजिए पहले इसको रिमूव कर दिया ये तीन हो जाए ये वाला भी तीन काम करेगा और ये वाला भी तीन काम करेगा आपका ठीक है ना तो ये वाला काम करेगा दूसरी चीज़ अगर मान लो ये वाला नहीं लगाओगे तो इसको हम रन करके देख लेते हैं कि ऐसा तो नहीं कि इस पर नहीं सपोर्ट कर रहा है तो ये रन कर रहा है बिल्कुल सही काम कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं आप सिंगल वाला भी लगा सकते हैं और डबल वाला भी लगा सकते हैं यहां पे जैसे डबल कोटेशन वाले में सिंगल कोटेशन वाले में भी आप लगा सकते हैं तो कमेंट समझ में आ गया कि कमेंट कहाँ पे लगाना है किस तरह लगाना है कमेंट प्रोग्राम को रीडेबल बनाने के लिए किया जाता है कमेंट में हम हैश लगा करके भी काम कर सकते हैं सिंगल कोटेशन लगा करके कर सकते हैं और ट्रिपल कोटेशन भी लगा के काम कर, कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं कि टाइप ऑफ कमेंट तो एक तो सिंगल लाइन कमेंट हो गया और एक डबल लाइन कमेंट हो जाएगा जिसको हम लोग मल्टी लाइन कमेंट भी कहते हैं तो ये वाला मल्टी लाइन कमेंट हो जाएगा ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट हो जाएगा और ये हमारा मल्टी लाइन कमेंट ये हम डबल लाइन कमेंट भी बोल सकते हैं तो ये ऐसे कि कई कमेंट हो जाएंगे अब जहाँ पे हमने शुरुआत किया वहाँ लगा देंगे उसके बाद जितना वर्जी लिखना हो लिख लो उसके बाद लास्ट में हमें लगाना है तो इस तरीके से कमेंट हमारा बन जाएगा जो है कमेंट प्रोग्राम को रीडेबल बनाने के लिए किया जाता है आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए अगर आपको समझ में ना आया हो तो भी आप हमें कमेंट करिए कि क्या समझ में नहीं आया लास्ट में मैं आपसे कहूँगा कि आप हमें एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा सिंगल लाइन कमेंट की शुरुआत किस कीवर्ड से किया जाता है किस कीवर्ड से किस आ, मतलब हमें आ, उस, जो स्पेशल कैरेक्टर है उससे करते हैं कमेंट करके बताइए वीडियो में आपको कुछ नया और पूछना है या नोट्स के बारे में आपको जानकारी लेनी है तो हमें कमेंट करिएगा हाँ एक और बता दें आपको अगर आप ओ लेबल पाइथन सीख रहे हैं और पाइथन के अलावा आईओटी सीखना चाह रहे हैं तो उसकी क्लास हमारी जो है रेडी हो गई है वो मैं आपको आज नहीं तो कल जरूर पोस्ट करूँगा अभी थोड़ा तैयार करने में काफ़ी समय लग जाता है इसलिए थोड़ा सा क्लास डिले हो जाती है तो काफ़ी कंटेंट को मजबूत करके आपको जो है देना होता है आप लोग हमारा व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम इन दोनों पे आप जुड़ जाइए ताकि आपको ये क्लास मिलती रहे टैली की क्लास रिसेंटली में नया स्टार्ट होने वाला है और तो आप टैली अगर सीखना चाहते हैं तो टैली भी सीख सकते हैं साथ ही में व्हाट्सएप तो आप जानते ही हैं, आपको क्या करना है टेलीग्राम के लिए आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम अप्लीकेशन इंस्टॉल करिए उसके बाद में हमारा नंबर सर्च करिएगा आपको मिल जाएगा वहाँ पर हम आपको जो इसका नोट्स है वहाँ से आपको प्रोवाइड करेंगे जो है फ्यूचर में तो आप लोग क्या करिए जुड़ जाइए और अपडेट पाने के लिए जो है ठीक है ना तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों